जिंदाबाद। जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिंदाबाद। जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। तोड़ फोड़ बंद करो, तोड़ फोड़ बंद करो, तोड़ फोड़ बंद करो। नेशनल कमेटी जो जम्मू कश्मीर की है, हमारे तीन दिन से जो यहाँ पर रिलीज दे रखी थी हमने, आज हमारा तीसरा दिन है पीसफुल प्रोटेस्ट का। तो सुंजमा मेट्रो स्टेशन से निकाल के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, जितने लोग भी हैं, ये सारे के सारे परेशान लोग हैं जिनको कानून दिखा के परेशान किया जा रहा है इस टाइम पर, और ऐसे काले कानून दिखा के परेशान किया जा रहा है जिनकी हम कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। और हम ये आपके साथ यहाँ से कह देना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो सौ सौ साल से, दो दो साल से इन ज़मीनों पर काबिज़ हैं, बैठे हैं। ये महाराजा के बढ़ाए हुए लोग हैं, ये कोई आज या कल परसों उठ के नहीं लोग आए हैं कि भाई जिनको आप रातों रात को एविक्शन आर्डर निकाल कर तो इस तरीके से एविक्ट कर दोगे, ये हम कभी नहीं होने नहीं देंगे। और आपकी विश्वास से हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं, होम मिनिस्टर साहब से हम अपील करना चाहेंगे कि भाई इन लोगों के बारे में सोचा जाए, ये रातों रात आर्डर न बनाए जाएँ, ये रातों रात चीज़ें ना भेजी जाएँ कि भाई लोगों को दरबदर करने की स्कीम बनाई जाए। कल से कोई वायरल हो रही है चीज़ें कि जी एल जी साहब कह रहे हैं कि 15 मरले तक हम दे देंगे, तो मेरा आपके विश्वास से पूछना है कि जनाब 15 मरले तक तो आप दे दोगे, वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके माल मवेशी हैं, जिनके भेड़ बकरियाँ हैं, तो वो जिनके पास 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जमीन है वो लोग कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं जी हम बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स को उठा रहे हैं, तो उन लैंड ग्रैबर्स की एक लिस्ट दे दी जाए हमें, किसके पास 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ जमीन है, आप खाली करवाइए, नहीं होती तो हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन इस तरीके से लोगों को, छोटे लोगों को परेशान किया जाए, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर, हम ऐसा नहीं होने देंगे।